इन तमाम लोगों के बैच अरेस्ट कर लें। जी कैसा लगा आपको ये खाका? मौजूद हाजरी ने महफिल अटली टुपे के पास ये एजाज है कि सन 2013 में जब चाइना की आर्मी मंगला कैंट में सालाना मशकों के लिए आई तो इसी तरह का पूरा प्रोग्राम हमने उनको चाइनीज जुबान में दिखाया, और 2014 में जब मंगला कैंट में सऊदी अरेबिया की आर्मी आई तो इस तरह का पूरा प्रोग्राम हमने उनको अरबिक जुबान में दिखाया। ये एजाज अटली टुपे के पास है। और हाजरी ने महफिल हम साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं सेंटर सूबेदार मेजर शकील साहब का कि वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीम आपने एडम टीम हमारे साथ डिटेल की जिसमें सूबेदार अहमद साहब थे और नायब सूबेदार शाहिद साहब और उनकी पूरी टीम ने हमें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया, सर थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए सेंटर सूबेदार मेजर शकील साहब के लिए। और आज एक और मज़े की बात आपको बताऊँ कि आज बलूच सेंटर के ही नहीं बल्कि हमारे भी मेहमान आज हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं जो स्पेशल अटली सेंटर से आए हैं, और हमारे सेंटर की सेंटर एथलेटिक टीम जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हक नवाज साहब का, अरशद साहब का और अपने अटली सेंटर की पूरी एथलेटिक टीम का। और स्पेशल मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि अगले माह जो है उनका कॉम्पिटिशन आ रहा है, और हमारी दुआएँ उनके साथ साथ हैं। हमारे मेहमानों के लिए एक दफ़ा आप ताली बजा दें। हाजिर आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सर प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत आवाज आपकी भरपूर तालियों में हल्ले गुल्ले के साथ तशरीफ लाते हैं अली रजा और उनके साथी। बहुत ही मशहूर आइटम आपकी खिदमत में पेश करूंगा। शीशे कारा दे चंद कुर्बान करा असत जे यारा ते नफरत कर मेहने भी देना बदे बत भी अते देता बेतारा अता ता यारा दे यारा अता यारा दे यारा नफरत करे ना बदे मेहने भी देना बदे बत भी अते देता बेतारा अता ता यारा दे क्या बात है।
तालियां होनी चाहिए। और हाजिर महफिल हम साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं आउटगोइंग टैग जेसीओ सुबेदार मसूद आलम साहब का, और जो इनकमिंग टैग जेसीओ हैं सुबेदार आसिम साहब, और सुबेदार आसिम साहब जो के रिसेंटली में जूनियर लीडर एकेडमी में इनके पास में कोर्स करके आया हूं, और बड़े काबिल और पश्तो आएगा बड़े काबिल और मेहनती इंस्ट्रक्टर हैं, और हम स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं सुबेदार आसिम साहब का। इसके साथ साथ आपके सिक्योरिटी जेसीओ नायब सुबेदार नवीद साहब का, और स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं जनाब जेक्यू नायब सुबेदार शमून साहब का, इनके लिए दिल खोल के तालियां होनी चाहिए। अभी चूंकि पश्तो गीत की फरमाइशें आ रही थी, लेकिन पश्तो गीत से पहले मैं आज के स्टेज के ऊपर आप ही में से एक परफॉर्मर है बीएमटी 17 का, उसको बुलवाना चाहता हूं, और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है डिप्टी कमांडेंट कर्नल कमरुज़मान सतार साहब और कर्नल लतीफ साहब तशरीफ फरमा हैं। सर मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले जिस तरह बलोच सेंटर की टूपे टीम थी, आज से तकरीबन 3 साल पहले जब हम एफएफ सेंटर में आए तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल था, और उन्होंने स्पेशल हमें खाने पे मधु किया हमारी पूरी अटली टूपे टीम को, और उस माहौल को सर दोबारा बनाएं। और मेरी सर स्पेशली आपसे गुजारिश है कि बलोच सेंटर की भी जिस तरह हम पाकिस्तान के कोने कोने में खैबर से कराची तक, कोयटा से राजस्थान सेक्टर तक, फॉरवर्ड कोहटा केल सेक्टर, गर्ज पाकिस्तान के कोने कोने में जाके रेजिमेंट ऑफ अटली का नाम बुलंद करते हैं, रेजिमेंट ऑफ अटली का झंडा लिए उसका नाम रोशन करते हैं उसके इज्जत इकबाल के लिए, इसी तरह बलोच सेंटर की ट्रूपे टीम होनी चाहिए। और मेरी सर स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बलोच सेंटर की जो ड्रामा टीम है उसको दोबारा रेज किया जाए, और उसी की कड़ी आप ही में से बीएमटी 17 का ये रिक्रूट है और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर है, हमारी जो ट्रूपे टीम है इसको स्पेशल रिकमेंड करती है बलोच सेंटर की ट्रूपे टीम के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में बड़ी जबरदस्त आवाज, दिल को छू लेने वाली आवाज, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, आप ही के सेंटर का रिक्रूट है और आप ही में आ रहा है, आपकी भरपूर तालियों में रिक्रूट फैसल नियाजी। गुलाब का फूल ले ले, गुलाब का फूल ले ले, अल्लाह पाक तौफीक देवे, ओए बंदा सजना को मुल ले ले, फुल ते मैं ते डमाली ते कर साचन रखवाली, तो फुल ते मैं ते डमाली ते कर साचन रखवाली, जग जाते हैं बूढ़ा दे, जग जाते हैं बूढ़ा दे, रखना कर बिस्मिल्लाह, चले चले वाह मुंडे रखे काजी साह, हक चेंदे तारुआ तेरी हरी सासण करे, तेरी हरी सासण करे, Thank you।
शुक्रिया अदा करते हैं हेड क्लर्क नजाकत साहब का और सिग्नल पलटून के हवालदार शफी और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हैं। हाजरीन, हमारा तल्लक चाहे रेजिमेंट ऑफ ऑडली से है, चाहे बलूच रेजिमेंट से है, चाहे सिंध रेजिमेंट से है, खो किसी भी कोर किसी भी फॉर्मेशन से, हमारा तल्लक हो, हम सबकी मंजिल एक है, हम सबका मकसद एक है। हमारा जो बेसिक मकसद है वो है इस सब्ज हिलाली परचम की रखवाली करना, क्योंकि ये परचम कौमों की पहचान हुआ करते हैं, ये अलामत होते हैं किसी भी मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी की। और साथ पूछिए तो इस प्यारे परचम में किसी भी खित्ते के बासियों की तारीख और सकाफत और इज्तमाई कुर्बानियों के रुझानात की एक झलक दिखाई देती है। मुअज्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, परचम चाहे किसी भी मुल्क या कौम का हो वो हमेशा एहतराम के काबिल होता है, मगर अपने इस सब्ज हिलाली परचम की तो बात ही क्या। ये दास्तान है हमारे बुजुर्गों की, तस्वीर है बेलोश कुर्बानियों की, निशान है इकबाल की फिक्र और कायद के अमल का। और सबसे बढ़कर ये कि ये प्यारा परचम ये मजहर है उस लफानी नजरिया हयात का जिसे सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। लिहाजा ऐसे प्यारे परचम का एहतराम करना और इसके लिए हम वक्त तन मन धन जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहना हम सब पर फर्ज है। ये प्यारा पाकिस्तान हमने लाखों कुर्बानियां देके हासिल किया है। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, पाकिस्तान। खूबसूरत तराना लेके आ रहे हैं अनर अली और उनके साथी। अपना जज्बा बदल, दिल की हिम्मत बदल, अपना जज्बा बदल, मन की
जमाना सुन रहा था बड़े शौक के साथ, अमीर हो गए दास्तान कहते कहते। मोसेस हाजिन महफिल, हमने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपके सामने परफॉर्म किया। हमने कोशिश की कि तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करें। हम अपनी कोशिश में कितने कामयाब हुए हैं ये आपकी तालियां बताएंगी। मोसेस हाजिन महफिल, हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी कमांडेंट बलोच ट्रेनिंग सेंटर का, डिप्टी कमांडेंट जनाब कर्नल कमरुज़्ज़मान सत्तार साहब का। सर थैंक यू सो मच, और स्पेशली आपके लिए और बलोच सेंटर के लिए कमांडेंट अर्ली सेंटर ब्रिगेडियर आमिर मुख्तार साहब ने बहुत सारी बेस्ट विशेज भेजी हैं, सो प्लीज़ सर कबूल कीजिएगा। हाजिरीन महफिल, अब मैं बुलवाना चाहूँगा आज की तकरीब के मेहमान मुअज़्ज़म, मेहमान ख़ास इज़्ज़त माब डिप्टी कमांडेंट बलोच सेंटर कर्नल कमरुज़्ज़मान सत्तार साहब। सर काइंडली स्टेज पर आएँ, अपने ख्यालात का इजहार करें, भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। ये अटली सेंटर के टुकड़े का, जिन्होंने हमारी आज की शाम को इतना यादगार बनाया और हमें एक बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट मुहैया की, जिसकी मैं स्पेशली मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत महसूस की गई। और आप लोगों ने जो दरख्वास्त की है, इसको हमने खुद भी उसको पूरी शिद्दत से महसूस किया है, और इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा वो ब्लू सेंटर का अपना ट्रूपे होगा, और इंशाल्लाह वो हम उतना ही अच्छा बनाएंगे। तो मैं अब ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, आप लोग थके हुए भी हैं काफ़ी, और सुबह 8 बजे मुझे पता है ड्रिल की रिहर्सल भी है। तो मैं ख़ास तौर पर इस अपनी ट्रूपे का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इनके लिए 25,000 रुपये इनाम का ऐलान करता हूँ। अच्छा, यहाँ जाहिर है पूरी टीम की ये काविश थी, सब ने बहुत इसको एंजॉय किया, लेकिन मैं ख़ास तौर पे यहाँ भोले को दावत दूंगा कि वो आए, उसके लिए हमने स्पेशल इनाम रखा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है ना हमारा ये कंप्लीट शो को जो है ना 4 चांद लगाए, और तमाम लोगों ने मुझे यकीन है कि इसको बहुत इंजॉय किया, और इंशाल्लाह हम आपका गिला अगली दफा जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इरफान अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त, ज़िंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बख़ैर, पाकिस्तान काए काए बलोच।